डियर स्टूडेंट्स, पिछले काफी मंथ से मेरे पास एक क्वेरी आ रही है दैट मैम, यूके के बारे में तो सब बात करते हैं दैट ACCA का यूके में बहुत स्कोप है बिकॉज इट्स अ यूके बेस्ड बॉडी, बट प्रैक्टिकली इट इज नॉट फिजिबल फॉर अस टू मूव टू यूके. बट अगेन, इंडिया में भी हमें ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं चाहिए, हमें कहीं बाहर मूव होना है ड्यू टू सम XYZ रीजंस. सो मैम, कोई और अपॉर्चुनिटीज बताइए जहां पर ACCA का जो है स्कोप भी हो एंड वायबल भी हो वहां पर शिफ्ट होना हमारे लिए. ड्यू टू सम क्लाइमेट इश्यूज लोग जो है यूके नहीं मूव हो सकते हैं, ड्यू टू लैंग्वेज बैरियर में भी वो दूर है, XYZ रीजंस. सो यस, आज हम लेके आए हैं एक ऐसी कंट्री जहां पर ACCA की जॉब अपॉर्चुनिटीज भी हैं, एक लाइक इंडस्ट्री बहुत अच्छी है एंड आपको टैक्स भी पे नहीं करना है. सो आई गेस मोस्ट ऑफ यू आर नाउ एबल टू गेस दैट वी आर गोना टू डिस्कस अबाउट द स्कोप ऑफ ACCA एंड ACCA प्रोफेशनल इन दुबई एज वेल एज अदर गल्फ कंट्रीज, बिकॉज वी आर सीइंग दैट कि जो गल्फ एरिया है वहां पर काफी ज्यादा फाइनेंशियल ग्रोथ हो रही है, वहां इंडस्ट्री में ग्रोथ बहुत हो रही है. सो यस, आप पहले बात करते हैं कि ग्रोइंग डिमांड फॉर ACCA इन द गल्फ, बिकॉज वी नो दैट कि दुबई और गल्फ जो है एक फाइनेंशियल हब है. दुबई हो गया, अबू धाबी, कतर, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरब, ये सारी जो कंट्रीज हैं ये इमर्जिंग फाइनेंशियल एंड बिजनेस सेंटर हैं मिडल ईस्ट एरिया में. एंड यस, वी आर सीइंग दैट कि इन एरियाज में काफी ज्यादा डिमांड है स्किल्ड फाइनेंशियल प्रोफेशनल की. एंड स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो बैंकिंग सेक्टर हो गया या फिर हमारा ऑडिटिंग प्रोफाइल हो गया, बिकॉज सी इंडस्ट्री वहां पर ग्रो हो रही है तो कंप्लायंस भी ज्यादा होंगे. सो यस, इसलिए कंसल्टेंसी और अकाउंटेंसी की हमें वहां पर रिक्वायरमेंट है. सो अगर हम बात करें कि ACCA क्वालिफाइड प्रोफेशनल, एज वी ऑल नो दैट ACCA इज अ कॉकटेल ऑफ वेरियस स्किल्स. आप ACCA में फाइनेंशियल स्किल सीखते हैं, ऑडिटिंग स्किल सीखते हैं, अकाउंटिंग स्किल सीखते हैं, टैक्सेशन स्किल सीखते हैं. सो इस ACCA प्रोफेशनल जो है काफी ज्यादा मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे कि या फिर लोकल फर्म्स या फिर दुबई के गवर्नमेंट बेस्ड इंस्टीट्यूशंस में काफी ज्यादा डिमांड में है आज के टाइम पीरियड में, बिकॉज ACCA का करिकुलम क्या है, IFRS बेस्ड है. एंड कंसीडरिंग द IFRS बेस्ड करिकुलम, ACCA की डिमांड भी ज्यादा है बिकॉज दुबई में गल्फ में MNCs कंपनीज हैं एंड दे प्रेफर कि एक ऐसा क्वालिफाइड पर्सन जिसको ग्लोबल स्टैंडर्ड की नॉलेज है, बी इट बी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बी इट बी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स. सो अब बात करते हैं कि ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जहां पर ACCA प्रोफेशनल्स को दुबई में या फिर ओवरऑल गल्फ एरिया में जो है हायर किया जाता है. सो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं एक एक एरिया हो गया दैट बैंक्स इन दुबई, जैसे कि इमारेट्स, NBD बैंक, मार्शेक बैंक, या फिर कोई और गल्फ कंट्रीज की अगर मैं बात करूं वहां पर भी क्या है, मैनेजमेंट, रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस स्किल के लिए जो है ये प्रोफेशनल्स की रिक्वायरमेंट होती है. नाउ नेक्स्ट इनकी क्या होगी, ऑडिटिंग एंड कंसल्टेंसी फर्म्स. हम देख रहे हैं कि दुबई बेस्ड एरिया में, गल्फ बेस्ड एरिया में काफी ज्यादा ग्रो कर रहे हैं. तो देखो, जितनी भी हमारी बिग फोर फर्म्स हैं, बी इट बी PwC, डिलॉयट, EY, इनका दुबई में और गल्फ एरिया में काफी ज्यादा स्ट्रांग ऑपरेशंस है. एंड ACCA प्रोफेशनल जो है हमारे ऑडिटिंग, अश्योरेंस, रिस्क, एडवाइजरी, कंसल्टेंसी सर्विस में इनका रोल बहुत ज्यादा है. एंड बिग फोर, वी ऑल नो दैट दे प्रायोरिटाइज ACCA प्रोफेशनल बिकॉज दे हैव द नॉलेज ऑफ IFRS स्टैंडर्ड इन डिटेल. नाउ अब अगर मैं बात कर रही हूँ कि यस की क्यों इनकी रिक्वायरमेंट है, बिकॉज देखो कंट्रीज जैसे कि सऊदी अरेबिया होगी, कुवैत हो गए, तो यहाँ पर अपार्ट फ्रॉम फाइनेंशियल सेक्टर यहाँ पर जो है हमारा गैस इंडस्ट्री, यहाँ पर ऑयल इंडस्ट्री भी काफी ज्यादा ग्रो कर रही है. एंड यहाँ पर इन इंडस्ट्रीज में काफी ज्यादा कंप्लायंस रिक्वायरमेंट होती है एंड यहाँ पर हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग, मैनेजमेंट, अकाउंटेंट की नीड पड़ती है. एंड वी ऑल नो दैट इफ यू आर डूइंग APM यू विल बी एक्सेल्ड इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एरिया, इफ यू आर डूइंग AFM तो आपको जो है फाइनेंशियल प्लानिंग की जो है नॉलेज जो है काफी ज्यादा राइज हो जाएगी. एंड अगेन, आपका बजटिंग नॉलेज चाहिए, अगेन आप APM के एरिया से बजटिंग नॉलेज जो है एक्वायर कर सकते हैं. अगेन इस एरिया में वी आर सीइंग दैट देयर इज
राइज इन द रियल एस्टेट सेक्टर, कि दुबई जो है आफ्टर लाइक 20s, जब से हमारा वहां पर मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, जैसे कि एक्सपो 2020, टीमो सिटी इन सऊदी अरेबिया, उसके बाद जो है रियल एस्टेट काफी ज्यादा राइज हो गया है हमारे दुबई बेस्ड और गल्फ बेस्ड एरिया में. एंड यस, फॉर दैट पर्पस वी नीड फाइनेंशियल एक्सपर्टाइज फॉर द इन्वेस्टमेंट बजटिंग प्लान एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रोल. एंड दैट्स व्हाई अगेन ACCA प्रोफेशनल आर द टॉप प्रायोरिटी. फिर अब नेक्स्ट एरिया हम बात करते हैं हमारा, गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज. तो देखो, गवर्नमेंट सेक्टर हो गया, हमारी पब्लिक सेक्टर कंपनीज जो है आज के डेट में काफी ज्यादा, स्पेसिफिकली अगर दुबई या गल्फ फेस्ड एरिया की बात करें तो ये IFRS स्टैंडर्ड को अडॉप्ट कर रहे हैं, बिकॉज दे नो दैट कि यस, कि दीज स्टैंडर्ड्स आर वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल. एंड दुबई इज द कंट्री विच इज हैविंग टूरिज्म एज वेल. एंड अगेन बहुत सारे लाइक MNCs और कंपनीज जो है वहां पर अपना बिजनेस जो है एक्सपैंड कर रहे हैं, तो इसलिए जो है गवर्नमेंट सेक्टर के लोग जो है IFRS को अडॉप्ट कर रहे हैं. तो उस वाले सिनेरियो में ACCA बीइंग द एक्सपर्ट इन IFRS नॉलेज, सो दे आर द टॉप प्रायोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एज वेल. सो अगेन, अगर मैं बात करूं कि ACCA की जॉब प्रोफाइल्स या फिर रोल्स क्या होंगे गल्फ कंट्री में, तो देखो सबसे पहला क्या हो सकता है, एफिलेट्स हो या फिर हमारे मेंबर्स हो, तो ये हम वहां पर फाइनेंशियल एनालिस्ट का काम कर सकते हैं, जिसमें कि वो क्या करेंगे, बैंकिंग सेक्टर में, कॉर्पोरेट फाइनेंस सेक्टर में, इन्वेस्टमेंट में जो है अपनी जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है ग्रैब कर सकते हैं. अगेन, दे कैन गेट जॉब अपॉर्चुनिटीज इन द फील्ड ऑफ इंटरनल ऑडिटर, रीजन बिंग बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि ऐसी फर्म्स में जो है कंप्लायंस रिक्वायरमेंट, ऐसे एरियाज में कंप्लायंस रिस्क प्रोफाइल्स की नीड होती है. एंड अगेन, जो हमारा इंटरनल ऑडिटर होगा वो क्या करेगा, ही विल बी फोकसिंग ऑन द रिस्क मैनेजमेंट प्रोफाइल, कंप्लायंस विद द कंपनीज पॉलिसी. सो दैट्स व्हाई अगेन ACCA जो है फिर डिमांड में होंगे. नेक्स्ट, टैक्स कंसल्टेंट्स. सो सी, वी ऑल नो दैट कि दुबई जो है टैक्स फ्री कंट्री है, वी ऑल नो दैट. एंड दैट्स व्हाई दैट इज अनदर रीजन कि जो है लोग जो है दुबई मूव होना बेटर समझते हैं, बिकॉज सी वहां पर जो है पर्सनल टैक्स नहीं पे करना होता है. बट अगेन, हमारा लाइक पर्सनल टैक्स नहीं है, बट यस, वहां पर बिजनेस है, बिजनेस टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है, वैट इम्प्लीमेंटेशन है, जो कि अभी रिसेंटली गल्फ में इंट्रोड्यूस किया गया है. तो अगेन, वी नीड एडवाइस रिगार्डिंग दीज टैक्सेशन प्रोफाइल्स. एंड अगेन, ACCAs have knowledge, vast knowledge in taxation, and they can help in the Gulf area for this matter. Now, next, हमारे जो ACCA members हैं, ACCA affiliates हैं, कैसे help कर सकते हैं? See, they know that, yes, we all know that accountant, financial manager, fund manager की requirement है. And yes, ACCAs क्या कर सकते हैं? उनकी books of accounts को manage कर सकते हैं, उनकी financial reporting कर सकते हैं. Again, they can prepare budget, they can forecast for their business planning. So, they can help to plan ahead and strategy implementation, strategy generation. Now, next is they can work as a risk management specialist. Risk management are somehow different than internal auditor. बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो है कंफ्यूज होते हैं, बट ये रिस्क मैनेजमेंट एक डिफरेंट प्रोफाइल है. दैट यस, कि ये इस प्रोफाइल में ACCA मेंबर जो है कैसे हेल्प करेंगे, कि यस की कंपनी के ऊपर कौन कौन से फाइनेंशियल रिस्क, बिजनेस रिस्क जो है अराइज हो सकते हैं, एंड दे विल गाइड विद रिस्पेक्ट टू मिटिगेशन स्ट्रेटजीज. नाउ नेक्स्ट इज, वी ऑल नो दैट ACCA इज अ यूके बेस्ड बॉडी, इसलिए बहुत बार बच्चे कहते हैं कि मैम ACCA जो है इंडिया में ऑडिटिंग नहीं कर सकते हैं, बट ACCA कैन वर्क एज एन एक्सटर्नल ऑडिटर समवेयर अपार्ट फ्रॉम इंडिया. एंड यहाँ पर देखो, हमारे पास इंटरनेशनल और लोकल क्लाइंट के लिए एक्सटर्नल ऑडिटर का काम जो है ACCA दुबई में कर सकते हैं. एंड जस्ट टू लेट यू नो, गल्फ की, UAE की जो अकाउंटेंसी बॉडी है उनका ACCA के साथ टाई अप है. एंड अगेन, यू विल बी गेटिंग सर्टेन एग्जम्पशन विद दिस टाई अप. नाउ नेक्स्ट इज, अब बात आती है, बहुत सारे बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज करते हैं, एंड दैट इज द मोस्ट मैंडेटरी क्वेश्चन, दैट मैम वर्क तो मिल जाएगा, प्रोफाइल्स भी बहुत सारी हैं,
बट सैलरी एक्सपेक्टेशंस कितनी है ACCS की दुबई में या फिर गल्फ एरिया में। सो देखो, अगर मैं बात करूं कि एंट्री लेवल सैलरीज, जैसे कि अगर आप टोटली फ्रेशर हैं तो आपकी सैलरी जो होगी AED 8,000 to 12,000 पर मंथ के अराउंड हो सकती है दुबई में। एंड डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस कंपनी में जा रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका जॉब फंक्शन क्या है, ये वेरी कर सकती है। अब नेक्स्ट आता है मिड लेवल सैलरीज। अगर कोई ऐसा प्रोफेशनल जिसके पास 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस है तो ही कैन वेरी इजीली अर्न 15,000 to 25,000 AED पर मंथ। दैट अगेन डिपेंड अपॉन योर स्किल सेट, योर नॉलेज एंड द कंपनी विच यू आर चूजिंग। नाउ नेक्स्ट इज, अगर आप एक सीनियर फाइनेंशियल मैनेजर हैं, फाइनेंशियल डायरेक्टर हैं, CFO रोल में हैं, तब आपकी सैलरी बहुत इजीली मिनिमम 30,000 AED से 60,000 AED के बीच में वेरी करेगी। अगेन दैट विल डिपेंड अपॉन द फर्म्स। एंड बहुत सारी मल्टीनेशनल फर्म्स हैं, सेक्टर्स हैं, ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, FMGC हो गया, ऐसे वाले सेक्टर्स में ACC को बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। नाउ अपार्ट फ्रॉम दीज सैलरीज, वी ऑल नो दैट देयर आर मेनी पर्क्स अवेलेबल इन गल्फ कंट्रीज टू देयर एम्प्लॉयज। जैसे कि एडिशनल बेनिफिट्स हो सकते हैं, हाउसिंग अलाउंस मिलते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस मिलती है, एंड अगेन टैक्स फ्री सैलरीज, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज वाइल यू आर वर्किंग इन गल्फ एरिया। नाउ नेक्स्ट, वॉट इज द बेनिफिट ऑफ वर्किंग इन गल्फ फॉर ACCA मेंबर्स। सो देखो, पहला बेनिफिट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, टैक्स फ्री इनकम। गल्फ रीजन जो है काफी ज्यादा फेमस है फॉर इट्स अट्रैक्टिवनेस फॉर द टैक्स फ्री सैलरी। बिकॉज सी, बहुत सारे लोग जो है, देखो हम अपनी सारी सैलरी जो है टैक्स पे करने में नहीं लगा सकते हैं। सो यस, टैक्स फ्री एडवांटेज आपको मिलेगा। अगेन करियर ग्रोथ, बिकॉज सी वी आर सीइंग दैट देयर इज रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर इन बिजनेस सेक्टर इन गल्फ रीजन, एंड दैट्स वाई ACCA मेंबर्स का भी वहां पर जो है प्रोग्रेस होने का चांस ज्यादा है। बिकॉज सी, जितना ज्यादा बिजनेस ग्रो करेगा उतना ही ज्यादा हमारी ग्रोथ है। नाउ नेक्स्ट इज, अगर मैं बात करूं कि गल्फ रीजन में जो हमारी कंपनीज हैं वो सारे लाइक यू नो वो सारी कंपनीज किसको अप्रोच करना चाहते हैं, एक ऐसा पर्सन जो कि कॉकटेल है ऑफ वेरियस स्किल्स। एंड वी ऑल नो दैट कि हम ACCA के एग्जामिनेशन में 13 पेपर्स जो देते हैं, अंडर दैट प्रोग्राम वी आर बीइंग टेस्टेड विद ऑडिटिंग, वी आर टेस्टेड विद द अकाउंटेंसी स्किल्स, वी आर टेस्टेड विद द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट, वी आर टेस्टेड विद द एथिकल स्किल्स, वी आर टेस्टेड विद द फाइनेंशियल स्किल्स। सो इसलिए हमारे पास जो है काफी ज्यादा ग्रास्प नॉलेज होती है, वास्ट नॉलेज होती है जो कि गर्ल्स में डिमांडेड है। नाउ नेक्स्ट इज नेटवर्किंग एंड एक्सपोजर। सो देखो, व्हेन यू आर वर्किंग इन अ मल्टीनेशनल एंड डाइवर्स बिजनेस एनवायरनमेंट, जहां पर आपका एक्सपीरियंस भी जो है काफी इंक्रीज होता है, तो उससे हमारा प्रोफेशनल नेटवर्क जो है ग्लोबली इंक्रीज होता है। एंड गल्फ में कंपनीज ही ऐसी हैं दैट यू विल गेट डिफरेंट पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज अराउंड द ग्लोब, एंड दैट विल गिव यू एज ओवर अदर्स। अगेन यू विल गेट बेनिफिट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, यू विल गेट बेनिफिट ऑफ नेटवर्किंग। नाउ नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो कि सबसे ज्यादा फेवरेबल है इफ यू वॉन्ट टू मूव टू अनदर कंट्री बट यू डोंट हैव अपॉर्चुनिटीज। सो देखो, UAE में गल्फ एरिया में वीजा एंड वर्क परमिट जो है ACCA प्रोफेशनल्स के लिए बहुत इजी है। ऑल दो वैसे भी ये नॉर्मल है, बहुत इजी है, बट यस, इफ यू आर फ्रॉम द ACCA बैकग्राउंड, आपका जो है वर्क परमिट और वीजा प्रोफाइल जो है बहुत इजी हो जाएगा। सो यस, बहुत सारी कंपनीज हो गई, हमारी MNCs हो गई, लोकल CA फर्म्स हो गए, वो हमारी हेल्प करते हैं टू सिक्योर द वर्क वीजा फॉर आर एक्सपेंशन प्रोग्राम। एंड UAE जो है पर्टिकुलरली उसने जो है इंट्रोड्यूस किया है लॉन्ग टर्म गोल्डन वीजा फॉर स्किल्ड प्रोफेशनल्स इन फाइनेंस एंड बिजनेस, एंड दैट्स व्हाई इट इज इजियर फॉर ACCA प्रोफेशनल्स टू रिजाइड देयर एंड सिक्योर देयर रेजिडेंसी। नेक्स्ट, सी आई कैंट से ऑलवेज पॉजिटिव, राइट? आई नीड टू मेंशन बोथ थिंग्स, एंड दैट इज दैट इज माय रोल टू इवैल्यूएट प्रोज एंड कॉन्स। नाउ नेक्स्ट इज, व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस ACCA प्रोफेशनल्स मे फेस इन गल्फ।
सी फर्स्ट ऑफ ऑल लोकल कंपटीशन व्हिच इज वेरी कॉमन इन लाइक व्हेन एवर यू मूव टू अनदर कंट्री. तो यस देखो आपको क्या होना पड़ेगा, लाइक काफी ज्यादा लोकली ट्रेन प्रोफेशनल के साथ थोड़े टाइम पीरियड के लिए जो है कॉम्पिटिशन जो है फेस करना पड़ सकता है. अगेन कल्चरल अडाप्टेशन, ऑल्दो इफ यू आर फ्रॉम द इंडियन रिलीजन, एशियन रिलीजन, तो बहुत सारे इंडियन पाकिस्तानी पीपल जो है वहां पर ऑलरेडी रह रहे हैं, सो दैट वॉन्ट बी अ ह्यूज चैलेंज फॉर यू. बट येस फॉर द टाइम बींग द कल्चरल बैरियर एंड वर्क प्रैक्टिस वुड बी डिफरेंट, ऑल्दो देयर इज फुल फ्लेज वर्क लाइफ बैलेंस इन यूएई. वी ऑल नो दैट दे आर हैविंग 4.5 डेज वर्किंग शेड्यूल. अगेन नेक्स्ट चैलेंज विच यू माइट फेस इज लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट. सी देर आर सर्टेन कंट्रीज जैसे कि सऊदी अरेबिया हो गया, वहां पर हमें एडिशनल लोकल सर्टिफिकेशन या फिर लाइसेंस लेना पड़ सकता है फाइनेंशियल रोल के लिए. सो दैट विल बी समहाउ अ लिटिल चैलेंज फॉर यू फॉर द टाइम बींग. नाउ नेक्स्ट इज हाउ ACCA सपोर्ट इन द रीजनल ACCA लोकल चैप्टर. सी वी ऑल नो दैट ACCA इज अ ग्लोबल अकाउंटेंसी प्रोफेशनल बॉडी एंड इट्स हैविंग इट्स रिकॉग्नाइजेशन इन मोर देन 181 कंट्रीज इंक्लूडिंग गल्फ. सो यस ACCA की बहुत ज्यादा प्रेजेंस है हमारे गल्फ एरिया में, वहां पर लोकल चैप्टर हमारे दुबई में, अबू धाबी में, सऊदी अरब कतर, कुवैत, इन सब एरियाज में है. एंड अगेन लाइक रिसेंटली आई गेट टू नो दैट वन ऑफ इंडियन ACCA लाइक इंडियन ACCA मेंबर और लाइक डेलीगेट इज कंसीडरिंग दीज इश्यूज एंड उनको जो है हायरिंग हुई है. एंड दैट्स वाई लाइक यू हैव फुल फ्लेज सपोर्ट बाय ACCA टीम एंड टीम ACCA गल्फ, टीम ACCA इंडिया टू वर्क इन गल्फ. नाउ नेक्स्ट इज अगर मैं बात करूं कि यस की ACCA के जो ये चैप्टर्स हैं वो क्या करते हैं, नेटवर्किंग इवेंट, CPD वर्कशॉप्स एंड करियर डेवलपमेंट सपोर्ट जो है प्रोवाइड करते हैं उनके लोकल ACCA मेंबर्स के. दे हैव एम्प्लॉयबिलिटी प्रोग्राम्स बिकॉज ACCA हैज कोलेबोरेशन विद लोकल यूनिवर्सिटीज एंड एम्प्लॉयर्स अराउंड द रीजन टू क्रिएट एम्प्लॉयबिलिटी प्रोग्राम एंड दैट विल मेक इट इजियर फॉर द मेंबर्स टू ट्रांजिट इन टू देयर जॉब मार्केट एंड दैट्स इज अ वेरी ग्रेट इनिशिएटिव बाई ACCA. नाउ इफ आई सम अप ऑल द डिस्कशन ऑफ टू डेज पॉडकास्ट और टू डेज सेशन, तो देखो हमारा जो है ACCA प्रोफेशनल्स का काफी ज्यादा वास्ट अपॉर्चुनिटीज हैं गल्फ रीजन में, दुबई रीजन में. एंड यस इफ यू वॉन्ट टू एक्सप्लोर टू सम डिफरेंट कंट्रीज विच इज नियर टू योर होम टाउन, विच हैज टैक्स फ्री एडवांटेज, विच इज सिमिलर टू योर होम कंट्री बट अगेन मोस्ट सिक्योर कंट्री, देन यू कैन ऑप्ट फॉर मिडल ईस्ट दुबई बेस्ड एरिया. एंड इफ दिस वीडियो हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द स्कोप, देन डू मेंशन मी इन द कमेंट बॉक्स एंड डू लेट मी नो दैट नेक्स्ट वीडियो जो है मुझे किस टॉपिक पे बनानी है. थैंक यू गाइस.